किसी भी काम को 100% कर सकता है जब जो व्यक्ति जिस काम को अपनी मजबूरी बना लेता है। मेरे दोस्त कभी लेकिन किंतु बट भाई परंतु कुछ भी जिंदगी में नहीं रहता है, सिर्फ काम होता है और काम होता है, सिर्फ काम ही काम होता है जब कोई काम को व्यक्ति अपनी मजबूरी बना लेता है। और मजबूरी कब बनती है? जब व्यक्ति का विजन बनता है। विजन कैसे बनता है? पहली चीज, ये विजन की समय सीमा होती है, ये आहिस्ता आहिस्ता छोटे विजन से बड़ा 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 बनता है, एक बड़ी पिक्चर बन जाती है। पहली बात, इंसान के लाइफ में विजन कैसे बनता है? विजन बनता है अपने जैसे किसी शख्सियत को, अपने जैसे किसी पर्सनैलिटी को, अपने जैसे किसी टैलेंट को किसी भी इंडस्ट्री में कामयाब देख करके, उसकी लाइफ स्टाइल को देख करके उसके जैसे बनने की चाहत पैदा होती है, मीन्स विजन क्लियर होता है। याद कीजिएगा, हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल टीचर की लाइफ स्टाइल को देख करके, स्कूल टीचर के मान सम्मान को, मास्टर जी उसके मान सम्मान को देख करके और स्कूल टीचर की सैलरी को देख करके हमारी लाइफ में बचपन में ख्वाहिश पैदा हुई थी, काश मुझे टीचर बनना है। यस और नो? जिंदगी में डॉक्टर के सम्मान को देख करके डॉक्टर मिलने के लिए 3 घंटे 4 घंटे वेट करना पड़ता है, 250 की पर्ची कटवानी पड़ती है और हर व्यक्ति डॉक्टर साहब बोलता है, डॉक्टर ने जो लिख दिया सारा फाइनल हो जाता है। उस डॉक्टर के लाइफ स्टैंडर्ड को, स्टाइल को देख करके हमारी जिंदगी में डॉक्टर बनने की चाहत पैदा हुई थी। कपिल देव को देख करके, सचिन को देख करके, उसके मान सम्मान को, पैसे जिंदगी को देख करके क्रिकेटर बनने की जिंदगी में चाहत पैदा हुई थी। मेरे भाई सलमान को देखकर, जो इब्राहिम को देखकर के बॉडी बनाने की चाहत पैदा ऑटोमेटिकली हो जाती है। किसी अपने जैसी शख्सियत को किसी भी इंडस्ट्री में कामयाब होता हुआ, कामयाब के रूप में देख करके उसके जैसे बनने की चाहत पैदा होती है, क्षणिक होती है, परमानेंट नहीं होती है। इसी प्रकार आप कल के प्रोग्राम में आए, आपको थोड़ा विजन मिला है और कुछ नहीं मिला है, थोड़ा विजन मिला है। आपने अपने जैसे लोगों को वहां जिंदगी में देखा, आपने जितने भी अचीवर कल के प्रोग्राम में देखे थे, चाहे अनु शर्मा जी थे, दुबे जी थे, अवधेश नारायण जी थे, क्या आपसे एडवांस थे किसी एंगल से? वो थे क्या? फिजिकली आप जैसे थे ऑटोमेटिकली सेम थे, दो हाथ दो पैर दो कान एक नाक दो आंखें, सेम था, सही है। अब आपने उनको देखा, अनु जी को आपने देखा, तो एक अंदर विश्वास पैदा, एक जोश भी लगा। क्या लगा? यार ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। भाई गेट नहीं खोलना अभी, क्या बोला सर? ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। दैट्स द विजन, दैट्स द विजन। कोई मोटिवेशन नहीं है, ये क्या है? विजन है, लेकिन छोटा है। क्या है? छोटा है। विजन को करियर में कन्वर्ट करना, विजन को करियर में कन्वर्ट करना, विजन को करियर में कन्वर्ट करना, ये कला है। आज जो आप में कोई व्यक्ति मैंने ज्वाइन कराया, वो आर्मी में है, वो नौकरी कहीं भी कुछ खेती करता है, उस व्यक्ति को उस इंडस्ट्री से निकाल करके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में फुल टाइम लेकर के आना, उसका परमानेंट विजन बनाना, ये एक आर्ट है। अगर आपको ये आर्ट आ गया ना मेरे दोस्त, आप इस इंडस्ट्री के किंग होंगे, किंग। ये कैसे बनता है? अब विजन, छोटे विजन से आहिस्ता आहिस्ता बड़ा विजन कैसे आता है, इसके पीछे एक तरीका है। विजन तब तक बेमायने है, विजन तब तक बेकार है और विजन तब तक लाइफ में कुछ नहीं देगा जब तक कि विजन को एजुकेशन में नहीं ढाला जाएगा। विदाउट एजुकेशन विजन का कोई मायने नहीं है। मेरा विजन है मुझे बॉक्सर बनना है, विजन क्लियर है, लेकिन मुझे पंच मारना नहीं आता है, मुझे हुक निकालना नहीं आता है, मुझे पंच काटना नहीं आता है। मेरे सामने वाला व्यक्ति आएगा, उसे पंच निकालना आता है, हुक मारना आता है, आएगा पहले राउंड में मुझे नॉकआउट करके चला जाएगा। विजन तो है कि बॉक्सर बनना है, धोना अगले को, पर एजुकेशन नहीं है। कोई फायदा है? कोई फायदा है? नहीं है। विजन है, विजन है मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन एजुकेशन मैंने ली नहीं है। क्या बंदा डॉक्टर बन जाएगा? विजन तब तक बेमायने है जब तक उसे एजुकेशन नहीं मिलती। विजन को एजुकेशन में ढालना यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विजन को, जैसे जैसे आप विजन को एजुकेशन में कन्वर्ट करोगे, एजुकेशन के साथ साथ ऑटोमेटिक धीरे धीरे विजन बड़ा बनता चला जाएगा। क्योंकि दुनिया में कॉन्फिडेंस बोलते हैं ना, किसी भी काम को करने के लिए इंसान को कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, पर दुनिया में कॉन्फिडेंस आता कहां से है? किसी भी काम का, किसी भी इंडस्ट्री में कॉन्फिडेंस कहां से आता है?
आपको जिस काम की जितनी ज्यादा नॉलेज होगी आपके अंदर, उस काम के प्रति उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली होगा। आपका शरीर लंबा तगड़ा है पर आपने कभी जिंदगी में बॉक्सिंग खेली नहीं है और आपको रिंग में उतार दिया जाए, क्या ठोकोगे? कर दोगे? नहीं कर सकते। क्यों? आज तक खेला ही नहीं है, पता ही नहीं पंच कैसे निकलता है। शरीर लंबा तगड़ा है पर कॉन्फिडेंस फिर जिंदगी में नहीं आएगा। आपके सामने दुबला पतला सा बंदा आएगा और मार मार के जंप इधर उधर मार के धो देगा आपको। क्यों? उसने 3-4 साल ट्रेनिंग ली है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बर्बादी का बहुत बड़ा रीजन यही है, लोग आते हैं, लोग ज्वाइन करते हैं, विजन नहीं होता है, एजुकेशन नहीं मिलती है, बिना एजुकेशन मार्केट में जाते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, मोटिवेट होते हैं, प्लान करना नहीं आता, फॉलो अप करना नहीं आता, सवाल का जवाब देना नहीं आता है, क्लोजिंग करनी नहीं आती है, 10-5 से मिलते हैं खाली हाथ वापिस आते हैं, हौसला पस्त हो जाता है, नेगेटिव हो जाते हैं और अपने आप को सोचते हैं फंस गया, लुट गया और बाहर निकल जाते हैं। दोस्त आप लोगों ने क्या प्रोग्राम देखा? जो जो लोग स्टेज पे थे आप सब वहां तक आ सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। पहली चीज, विजन को बनाने के लिए आपको MLM डायरेक्ट सेलिंग क्या है इसको जानना पड़ेगा। सर सेशन लंबा है, अधूरा छोड़ूंगा मैं, सेशन 4 घंटे का है मेरा एक्चुअली, कोशिश करूंगा मैं शॉर्ट में करने की पूरा, ठीक है? क्या बोला? विजन अगर आपने बनाना है कि वाकई में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये करियर है, इसके लिए आपको इसको जानना पड़ेगा। क्यों? अब हमारी प्रॉब्लम है, आपने कल शो देखा है, आप में बड़ा जोश आ गया सर, लेकिन एक बड़े कमाल की बात समझिएगा, मार्केट में किसी भी व्यक्ति से पूछो क्या क्या करते हो, हर बंदा अपने प्रोफेशन को खोल के बताएगा। चपरासी बोलता मैं चपरासी हूं, फौजी बोलता मैं फौजी हूं, बोलता नहीं बोलता है, पान ठेले वाला बोलता है मेरा भैया दुकान है, परचून वाला बोलता है मेरी दुकान है, हर व्यक्ति अपने प्रोफेशन को खुल के बोलता है। पर एक नेटवर्कर से पूछो क्या करते हो, आराम करो, उठो जी, फिर आता है मैं वो भाई साहब, सामने वाला बोला भाई साहब वो क्या चेन सिस्टम बिजनेस है क्या, 2 जोड़ो 4 जोड़ो है? नहीं वो है एक्चुअली, हम तो ना हेल्थ में काम करते हैं। क्या आपको जब कोई बोलता है चेन सिस्टम बिजनेस करते हो आप हाँ भरते हो? Yes. मैडम को उठाना मेरे को बड़ी प्रॉब्लम है जी, आप उठ सकते हैं पर आप सो नहीं सकते, माफी चाहूंगा मैं लगे तो, ठीक है? आप को पूछता है चेन सिस्टम बिजनेस करते हो, एक्सेप्ट करते हो? Yes. नहीं करते। हम बोलते हैं हम पॉजिटिव हैं भाई साहब, पर हम अपने काम को एक्सेप्ट करने में शर्माते हैं, मतलब खुद ही डाउट में, खुद ही मैं डाउट की बात बोलूं, अभी 15-20 मिनट में सारी बात मैं क्लोज करूंगा, ठीक है? शॉर्ट में क्या बोला सर, हमें खुद ही डाउट अभी तक चेन सिस्टम, नहीं नहीं वो मैं तो सर चेन सिस्टम नहीं करता। कोई मेरे से पूछ ले बंदा चेन सिस्टम करता, मैं बोला हाँ 100% प्योर चेन सिस्टम बिजनेस करता हूँ मैं, समझिए रीजन, आपको तो डाउट धंधे पे। चैन सिस्टम एक्चुअल होता क्या है, इस दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट, क्या बोला, कोई भी प्रोडक्ट बना है बिकने के लिए, यस और नो? यस। जहर भी बिकता है, दारू बिकती है, सोना बिकता है, शहद बिकता है, दूध बिकता है, क्या नहीं बिकता? दुनिया में हर चीज बिकती है, पर मेरे दोस्त कौन सी चीज कैसे बिकती है? इस दुनिया में 4 लाइन लिखूंगा मैं, इस दुनिया में 4 क्वालिटी इसके अंदर नहीं होती, नॉन क्वालिटी प्रोडक्ट्स, नॉन ईडेबल प्रोडक्ट्स और नॉन वर्थेबल प्रोडक्ट्स और नॉन यूजेबल आइटम। ये टोटल आइटम बिकता है, लेकिन ये टोटल आइटम बिकता है टीवी स्टार, टीवी चैनल, टीवी एड के माध्यम से, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज का फेस का सारा लेकर के बिका करता है। कौन सा? नॉन क्वालिटी आइटम, नॉन ईडेबल आइटम, नॉन यूजेबल आइटम और नॉन वर्थेबल आइटम, जिसकी वो कीमत नहीं होती, वो सब बिकता है, लेकिन टोटल चीज दुनिया बिकेगी तो टीवी स्टार, टीवी एड,
बड़े बड़े बोर्ड होल्डिंग्स का सारा लेकर के या किसी बड़ी पर्सनैलिटी सेलिब्रिटीज का फेस दिखा करके बेची जाती है। देखिए बिकती दारू भी है, बिकती कोल्ड ड्रिंक भी है, बिकता जहर भी है, बिकता तंबाकू भी है, बिकता गुटखा भी है, लेकिन आज तक मुझे एक बंदा नाम बता दो कि आज तक तुमने कभी किसी अपने जानकार व्यक्ति को किसी दारू को किसी बीड़ी को किसी गुटखे को तंबाकू रिकमेंड किया क्या? पीले पीले भाई पीले प्रमोट किया नहीं मेरे दोस्त। पर ये टोटल चीजें बिकती हैं, कौन बेचता है? अजय देवगन साहब आता है तो विमल दाने दाने में केसर का दम। अरे बाप रे, 10 रुपए में आराम खोर केसर का को खुशबू ना देने दे तो पुड़िया दे देगा 10 रुपए में। सर यहां झूठ बोलता है यार, नहीं बिकता क्या है? सर आज तक फेरन लॉरेंस को गोरा हुआ? पूरे हिंदुस्तान में एक शख्स बोलते गोरा हुआ हो, पर बिकता है। 350 करोड़ का टर्नओवर ईयरली करती है फेरन लॉरेंस। कौन करता है ऐड? यामा गुप्ता जैसी हीरोइन। वो पैदाइशी यहां से यहां तक गोरी चिट्टी है। हम तब तो माने जब फेलोली वाले ऐड कराते दोनों लीवर से और बेच के दिखाते आराम जाते। वो गोरा होना नहीं था भाई साहब, वो बिकनी नहीं थी, पर बिकती है। यस और नो? बिकती हर चीज है, मतलब गलत और सही हर चीज बिकती है। पर मेरे दोस्त दुनिया में अच्छी चीजें यूजेबल प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, नेडेबल प्रोडक्ट्स और वर्थेबल प्रोडक्ट्स हमेशा बिकते हैं अपनों से अपनों। एक अच्छी सोच का व्यक्ति, एक अच्छी सोच नियत का व्यक्ति, अच्छी सोच अच्छी नियत का व्यक्ति कभी भी जिंदगी में गलत चीज को रिकमेंड नहीं कर सकता भाई। मैं आपसे दे रहा हूं एग्जांपल, आप अपनी लाइफ में उस स्कूल को कभी प्रमोट नहीं करोगे जिस स्कूल में जाके आप या आपकी बहन आपका बच्चा फेल हो गया हो मैनेजमेंट खराब होने की वजह से, क्या रिकमेंड करोगे? जिस अस्पताल में जाने से मैं अस्पताल में गया और मेरी बीवी चल बसी, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला, मेरी वाइफ चल बसी, कल राजेश साहब का नाम ले लूं मैं, कल को राजेश साहब की मैडम बीमार पड़ी, बोला कहां जा रहे हो? अरे भाई कुरी डॉक्टर के पास। किसके पास? लाकड़ा हमारा लाकड़ा बच्चा। क्यों? तू जाए काम कर बंसल के पास। क्यों? 2 महीने पहले मैं गया था, फिर क्या हुआ? मेरी भी ऊपर से ली गई। तू भी जा, तेरा पीछा छूट जाएगा, टपक जाएगी तेरी। क्या कोई शख्स सर रिकमेंड कर सकता है? नहीं कर सकता। एक बेगैरत व्यक्ति, लालची व्यक्ति, गिरा हुआ इंसान ही चंद रुपयों के लिए, कुछ लालच के लिए गलत चीज को प्रमोट कर सकता है। दोस्त एक अच्छी नियत का, एक इंसानियत का व्यक्ति, अच्छी सोच का व्यक्ति कभी जिंदगी अपने जमीर को बेच करके चंद रुपये के लालच के लिए मेरे भाई गलत रिकमेंड नहीं कर सकता। बात समझते हो? इस बात से समझिए, इस दुनिया में इन आइटम की कभी लाइफ में ब्रांड चैन नहीं बनती। हमेशा आपको नॉन क्वालिटी आइटम गली नुक्कड़ चौराहे पे गली में घर में बेचने वाले मिल जाएंगे, पर जो क्वालिटी मेंटेन करते हैं वो ब्रांड बनते हैं। क्या बनते हैं? ब्रांड। जो क्वालिटी मेंटेन करते हैं वो ब्रांड बनते हैं, और ब्रांड कभी भी गली नुक्कड़ चौराहे पे नहीं मिलते हैं। अगर आपको ब्रांडेड मैकडे का बर्गर चाहिए तो उठ के शहर में जाना पड़ेगा, घर में नहीं मिलेगा। आपको रिबोक नाइक एडिडास का कच्चा बनियान चाहिए, शोरूम में आना पड़ा, घर में गली में नहीं मिलेगा। लोकल बनियान, लोकल चड्डी, लोकल पिज्जा बर्गर गली में शाम को घर में मिल जाएगा, पर ब्रांड मतलब क्वालिटी आपको उठ के उस ब्रांड की चेन में जाना पड़ेगा, और विदाउट चेन आज तक कोई क्वालिटी बिक नहीं पाई है। SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड 90 साल में जो आज तक आयुर्वेद में डाबर नहीं कर पाया, झंडू नहीं कर पाया और रामदेव सॉफ्ट फेट लाके नहीं कर पाया, वो रिजल्ट वो क्वालिटी हमने 3.5 साल में हिंदुस्तान में दी है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आज तक जो कोई सोच नहीं पाया उस सोच से परे हमने काम किया है। हम मेरे भाई क्वालिटी है मतलब ब्रांड है, इसलिए हम चैन में काम। चाहिए तो मेरे पास चल के आना पड़ेगा बोलने का, क्योंकि अपना इम्यूनोडॉक, अपना गायनोडॉक, थंडर ब्लास्ट दुनिया में कहीं घूमले कहीं मिलेगा नहीं, अपने पास ही मिलेगा, क्योंकि हम ब्रांड हैं, इसलिए हम चेन सिस्टम है। उसने बोला चेन सिस्टम काम करता है? यस 100%।
मैं चैन सिस्टम बिजनेस में काम करता हूँ क्योंकि मैं ब्रांड हूँ, लोकल नहीं हूँ। बात समझ में आई? चैन सिस्टम नाम से भागना नहीं है, इसकी परिभाषा तक पता नहीं है, प्रॉब्लम ही है। सही बात है। तो पहली चीज विजन क्लियर कब होगा? जब आपको आपकी इंडस्ट्री का नॉलेज होगा। अब आपको लगता है इससे बेहतर वो कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ये हो सकता है, लाइफ में कभी जिंदगी विजन नहीं बनेगा। आप अपनी जिंदगी के जितने भी आपकी लाइफ में चांसेस हैं, जितने आपके सामने अपॉर्चुनिटीज हैं, उन सबको जिंदगी में कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। अगर आपको हर इंडस्ट्री से बेहतर परिणाम यहां निकल के आते हैं, जिंदगी में फैसले तो जगह से होते हैं। नंबर एक, माइंड समझता मेरे भाई कैलकुलेशन, क्या समझता है? ये इमोशंस इसको क्लिक नहीं कर पाते, ये समझता है कैलकुलेशन। ये जीरो समझता है, जीरो, सौ की जीरो, हजार की जीरो, लाख की जीरो, ये जीरो समझता है, ये समझता है कैलकुलेशन। और मेरे भाई ये समझता है भावनाओं, इसे बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड, इसे बोलते हैं माइंड। ये दुनिया में शरीर का कोई रोल नहीं है, ये शरीर तो मिट्टी है, एक दिन माटी हो जाना है। संजू सर ने कल बात बोली थी, अधूरी बात थी, पूरी करता हूं। माइंड, अनकॉन्शियस माइंड जब माइंड को सिग्नल देता है तो माइंड इंसान के बॉडी को सिग्नल देता है। ये बॉडी बेकार है, इसका कुछ रोल नहीं है जब तक सिग्नल नहीं आता। अब अनकॉन्शियस माइंड समझिएगा, इंसान हारता यहीं से है। आपने कल का प्रोग्राम देखा, इन आंखों से देखा है। किससे? इन आंखों से देखा है। ये तो आपने पहले भी किया है। जब भी हम स्कूल में एग्जाम देकर के आए थे, घर में आते हुए मैंने पूछा, बेटा पेपर कैसा हुआ? तुमने क्या बोला था? बढ़िया। मैंने बोला लठ काट दिया। क्या बोला? बढ़िया बोला। पर मेरे भाई इंसान हारता कब है? अरे दिन में हम समाज में रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, जैसा समाज जैसे लोग जैसी बात जैसा माहौल वैसी बात, सही है। पर रात में बिस्तर पे जाते तो अकेले होते हैं। ये बात आज तक किसी इंसान ने किसी शेयर नहीं की है। दिन में बोला पेपर बढ़िया बढ़िया बढ़िया, जब रात में बिस्तर में सोने गया राजेश साहब, तो अनकॉन्शियस माइंड से आवाज आई, कैसा हुआ? माइंड ने बोला बढ़िया, इसने बोला पागल बनाना, मेरा सर लटकेगा, लटक ही गया। सही बात है। अब पूरा दिन बात करते हो, पूरा दिन बात करते हो, ये प्लान ये प्लान, ये करोड़, ये 10 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, 2.5 करोड़, 70 लाख, 50 लाख, 20 लाख, आजा जुड़ जा, आजा जुड़ जा, दे ताली दे ताली दे ताली। पर मेरे भाई रात में आवाज आई नहीं आज तक कभी। 70 करोड़ आएंगे, आवाज आई। दोस्ती हमेशा आवी होता है, और ये अनकॉन्शियस माइंड बोलता है। पहले माइंड बोलता है हो जाएगा कर लेंगे यार, राजेश कर गया, कुरी कर गया, अनुज कर गया, महिपाल कर गया, फिर अनकॉन्शियस माइंड है। शकल देखी तुझे, तुझे कौन पैसे देगा? कुरी कर गया, माइंड बोला कुरी कर गया, 10वीं पास था, अनकॉन्शियस माइंड था तो 10वीं पास था, साला बड़ा नौटंकी बाज था। कुरी तो चुटकुले भी जानता है, नौटंकी भी जानता है, एक्टिंग भी जानता है, तुझे क्या आता है? अनकॉन्शियस माइंड हमेशा इंसान की कमजोरी को, आपकी कमी को आपके सामने लाके रख के बोलता तो नहीं कर पाएगा। और हर इंसान के अंदर मेरे भाई बहुत बड़ा डर बसता है, हर इंसान जिंदगी बहुत बड़ा डरता है। इंसान दुनिया से नहीं हारता, इंसान खुद से हारता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये अपने आप से बात करता है लेकिन किसी को शेयर नहीं करता है। हर इंसान को खुद में कमी लगती है, मुझे अच्छा बोलना नहीं आता है, मेरे में जोश ज्यादा नहीं रहता है, मुझे एक्टिंग बाजी नहीं आती है, मैं इतनी स्पीच देना नहीं जानता हूं। पर आज तक किसी इंसान ने अपनी इस कमजोरी को किसी को शेयर नहीं किया है, है सबके अंदर। आप मना नहीं कर सकते क्योंकि ये बात किताब में नहीं है, मैं तो मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। सर जब मैं पहली बार 2011 की बात है, मेरे पास संजय सर का कॉल आया, अनिरकट बदोरा पूछना है बड़ोदरा प्रोग्राम अपना, शनिवार की बात। मैं बोला कैसे पूछूंगा? बोला क्यों? बोला जी पठानकोट हो भी तो बड़ोदरा कैसे पूछ जाऊंगा? बोला कोई दिक्कत है, काम कर तू दिल्ली आ जा, सुबह तक दिल्ली पहुंच, तेरी टिकट बुक की हुई हमने फ्लाइट की। मुझे लगता था कि फ्लाइट में बैठने के लिए पासपोर्ट चाहिए।
जो जिंदगी बैठी नहीं था, हम तो गांव देहात से रहने वाले। मैंने सर को तुरंत बोला, गुरु जी मेरी टिकट कैसे बुक कर दी? बोला क्यों? मैं बोला मेरे पास तो पासपोर्ट है ही नहीं। तो सर ने मुझे बोला, एक्चुअली हमारी ऐसी बात होती है, सर ने बोला नमूने आधी आराम कर, पासपोर्ट बांग्लादेश के लिए चाहिए, हिंदुस्तान में कोई भी आईडी प्रूफ चाहिए? आईडी प्रूफ है मुझे, है तेरा आरवी नंबर मेरे को याद, अपना कार्ड ले आइए। ठीक है जी, मुझे लाइफ में पहली बार नई बात पता चली कि एरोप्लेन में बैठने के लिए पासपोर्ट नहीं चाहिए। अब मुझे लाइफ में दूसरी घबराहट थी जो मैंने कभी किसी को शेयर नहीं की। मुझे लगता था कि फ्लाइट की टिकट कई हजार कई लाख में होती होगी और वहां सारे पढ़े लिखे लोग जाते होंगे। तो मैं ट्रेन में चढ़ा था, टी शर्ट बनियान लोअर में, पर मैं ट्रेन में फौजी आदमी हूं ना, मैंने ट्रेन में सारे काम कर लिए अपने। और जब मैं उतरा तो मैं कोट पैंट टाई लगाए उतर गया। मैं हूं नहीं जेंटलमैन, पर जेंटलमैन दिखना चाहिए। तो मैं एयरपोर्ट गया, अपने एक हाथ में मेरा बैग, एक हाथ में दूसरा कोट पैंट कवर में पैक, मुझे आगे मिल गया संजू सर, मामू तो सर दिल्ली एयरपोर्ट पे, साथ में ले लिया टिकट, ले अंदर चेक इन कर लिया, बोर्डिंग पास ले लिया अंदर। और मुझे पानी की लगी थी प्यास राजेश सर। अब मैं कई देर से देख रहा पानी पीऊ, तो मैं देख रहा हूँ हर जगह गेट से लेकर बोर्डिंग पास चेक इन तक हर जगह इंग्लिश टू इंग्लिश टॉकिंग चल रही है। तो मुझे डर लग गया यार, एयरपोर्ट पे इंग्लिश बोलना कंपलसरी है। अब मैं सोच रहा पानी पीना, पर किसे पूछूं? तो जैसे हम बोर्डिंग पास लगे अंदर चेक इन करके अंदर, मैं बोला सर पानी पीना है। सर बोले अभी पहले बोलता है यार, अभी तो वापस कहाँ जाएगा बाहर, पर 10 मिनट रुक जाए, अभी अंदर फ्लाइट में चले जाएंगे, फिर वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। मिल जाएगा, हाँ सब मिलता है। ठीक है जी, अंदर चले गए हम। अब लक बाई चांस क्या हुआ, तीन सीट तीन टिकट थी, तो दो सीट टिकट इकट्ठी एक अलग आई हुई। तो अब मामचंद सर समझ कुछ बातें करनी थी, तो मुझे सर ने बैठा दिया सेंटर वाली सीट में, पहले बैठाया फिर समझाया मेरे को, देख ये तुझे जो कुछ चाहिए इस चीज को दबाना, वो आएगी मैडम आएगी, जो चाहिए बोल देना जाके दे देगी। ठीक है जी, मैं बैठ गया। अब पहली बात गांव का बंदा 10वीं पास, दूसरी बात फौजी आदमी। अब मैंने मेरी लाइफ में, मैं कभी गांव में कच्छा पहन के नहीं घूमा, मैंने मेरी लाइफ में पहली बार देखा कि लड़की कच्छा पहन के घूम रही है। अब मुझे पता है स्कर्ट बोलते हैं, पर पहले नहीं पता था, 2011 की बात है, सही है। अब मैं देखा लड़की पहले इधर गई टक टक, इधर गई, मैं इसे देख रहा। अब मैं सोचा स्विच दबा के पानी मांगूंगा, इतनी देर में मेरे साइड में किसी के पास आई होगी, किसी ने दबाया स्विच, उसे इंग्लिश में बात कर रही। अब मुझे लग गया बेटा अगर तूने स्विच दबाया ये आएगी। अब तेरे पास टिकट भी है, बताओ तू लखपति आदमी है, कोट पैंट भी पहन रखी है, तू जेंटलमैन है। अच्छा मेरे एक्चुअली पहले मैं चश्मे लगाता था, आखिर मेरी ठीक है, ऐसे भी इस कंपनी जब मैंने शुरू की तो पहली एक साल की फोटो मेरी इस चश्मे कोई नहीं मिलेगी आपको, सब इसमें। तो इससे के बाद थोड़ा बंदा पढ़ा लिखा लगता मार। तो मैं बीच से मांग निकाल के चश्मे लगा के अपना बैठा, आखिर ठीक है। मैं बोला यार अगर तुमने स्विच दबाया रे मैडम आएगी, और जैसे तू मुंह खोलेगा तेरी पोल खुल जाएगी। सर बिलीव करो ये मेरी लाइफ की रियलिटी है, ये मेरा मोटिवेशन बहुत बड़ा, पोल ना खुले इस चक्कर मैंने मुंह ही नहीं खोला, स्विच नहीं दबाया। एक घंटे 20 मिनट का सफर, ना तो सोया ना पानी पिया, बस देखता ही रहा। जैसे ही बड़ौदा एयरपोर्ट उतरे अंदर गए, मैं सर को बोला सर पानी पीना है। सर बोला क्यों पिया नहीं? मैंने बोला नहीं। बोला क्यों? मैं बोला सर वो लड़की कच्छा पहने घूम रही थी। बिलीव करो मामसी जी के बोल यही थे, बोले आराम करो वो पहन के घूमी, तेरा कच्छा नहीं निकाल रही थी वो। मैं बोला जी नहीं एक्सीडेंट कुछ और है, वजह कुछ और। बोले क्या वजह? मैं बोला सर वो इंग्लिश बोलनी पड़ती ना। तो बड़ौदा एयरपोर्ट पे मुझे संजू सर ने थप्पड़ मारा, बोलो भाई तेरा मैं क्या करूँगा, सर किसने बोला इंग्लिश बोलनी पड़ती, हिंदी बोल के काम चलता है। मुझे तब एक नई बात पता चली कि हिंदी बोलने से भी एयरपोर्ट पे सब कुछ काम। मैं 2012 से फ्लाइट में उड़ता हूँ, मैं बिलीव करो मैं समोसे बर्गर पिज्जा जिंदगी में कभी से नहीं खाता, इंडिया टीम में तभी से नहीं खाता मैं, पर मैं पक्का सैंडविच मंगाता हूँ फ्लाइट में, इसलिए नहीं मुझे खाना है, सिर्फ फीलिंग देता हूँ, हिंदी बोल के मंगाता हूँ देखे जाते। दिल्ली एयरपोर्ट की, दिल्ली से रांची, दिल्ली से अहमदाबाद, दिल्ली से नागपुर, तीन रूट की इंडिगो फ्लाइट की टोटल एयर होस्टेस जानती है मेरे को, और 99% अपनी पेस्ट खिला चुका हूँ मैं हिंदी बोल के। ये हम सबके अंदर एक डर है, हमारी एक प्रॉब्लम है इसकी, हमारी एक समस्या है कि हम अपने से स्मार्ट पर्सनैलिटी, अपने से टैलेंटेड बंदे और अपने से हाई सोसाइटी के व्यक्ति को देखकर अपने आप को उसके सामने छोटा कमजोर और हारा हुआ फील करते हैं। आप ये बात बताओगे नहीं,
पर ये आपके अंदर की बात है दोस्त। आप अपने से लो क्लास के बंदे को प्लांट टेबल ठोक के जीते हो, पर अपने से हाई क्लास वाले को ना तुम होठ बजी फिरते हो। वो सर एक बड़ी बात करने, क्या बात करने नहीं वो ये है अनकॉन्शियस माइंड, बहुत बड़ी ताकत है इसकी। अनकॉन्शियस माइंड की ताकत समझिएगा, इंसान शरीर से कोई नहीं हारता। मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा आपको, आपको अभी मई और जून महीने में प्लान करने में तकलीफ हुई होगी, घर से निकलने में तकलीफ होती है, साइकिल पे जाने में तकलीफ होती है, पर अनकॉन्शियस माइंड और माइंड, रिक्शे वाले का अनकॉन्शियस माइंड उसको बोलता है तेरा काम रिक्शा चलाना है, ऊपर वाले पेडल को नीचे दबाना है। माइंड एक्सेप्ट करता है और ये माइंड इस बॉडी को एक्शन सिग्नल देता है, और 55 साल की उम्र का रिक्शा चालक और 50 kg वेट, वजन 50 kg, उम्र 55 साल, कमजोर है कि मजबूत है? कमजोर है। 55 साल 50 kg कमजोर है, पर रिक्शा में 2 सवारी बैठती मेरे दोस्त, उसका माइंड सेट है। आज तक रिक्शा में 2 सवारी राजेश साहब, चाहे 90-90 kg के 2 बंदे बैठे हों और चाहे 40-40 kg की 2 लड़कियां बैठी हों, दोनों कंडीशन में आज तक रिक्शे वाले ने नहीं बोला भैया हाँ मैं नहीं लेके जाऊंगा, क्यों तुम ज्यादा मोटे हो। आज तक ऐसा भी नहीं हुआ कि 2 लड़की 40-40 kg की थी और रिक्शा बोलो बट्टे मजे आ गए, क्यों है? ना तो उसने खुशी मनाई ना उसने अफसोस किया। और आज तक दुनिया का रिकॉर्ड है, रिक्शा हाइट के ऊपर भी चढ़ के गई है, पर आज तक रिक्शा चालक का वजन कितना भी हो, उम्र कितनी भी हो, साइकिल का व्हील पीछे नहीं आया, आगे गया है। अनकॉन्शियस माइंड, उसने एक्सेप्ट किया है रिक्शा चलानी है, माइंड एक्सेप्ट कर चुका रिक्शा चलानी है, शरीर का फर्क नहीं पड़ता, रिक्शा चल जाती है। अनकॉन्शियस माइंड एक व्यक्ति को बोल एक्सेप्ट कर चुका है, अरे लोग काम करते हैं सुई यहां से निकाल के यहां निकाल देते हैं, कांच के ऊपर चल जाते हैं खून निकल जाता है, दर्द होता लेकिन दर्द फील नहीं होता है, बंदा यहां से निकाल के सुई यहां गाड़ देता है, लोग आग खा जाते हैं फील नहीं होता, अनकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर चुका है, माइंड को सुन देता बोल इतना काम है करना पड़ेगा, माइंड ने एक्सेप्ट किया, बंदा कांच खा लेता है, आग खा लेता है, सुई गाड़ा चुबा देता है, बॉक्सिंग में बंदा लहूलुहान हो जाता है, आंख नाक सब फूट जाता है, देखने वाले की आंखें भी बंद हो जाती है, पता पंच खाने वाले की आंख बंद नहीं होती है। दैट्स द पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड एंड माइंड। शरीर तो बेमायने है, कुछ रोल ही नहीं इसका। हमारी प्रॉब्लम यह है हम शरीर से मजबूत हैं, पढ़े लिखे भी हैं, पर एक अनकॉन्शियस माइंड 70 करोड़ का कॉन्सेप्ट है, मैं कमा सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं भी जीत सकता हूं, ये अनकॉन्शियस माइंड विश्वास यकीन नहीं कर पा रहा, ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। अनकॉन्शियस माइंड से जब तक सिग्नल यहां पर नहीं जाएगा ये बॉडी एक्शन नहीं करेगी मेरे दोस्त। एक लास्ट मेरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये विजन इतना सा है कल का, इतना सा अपने आप से बात कर लेना, ये विजन परमानेंट हो सकता है, ये विजन परमानेंट हो जाएगा, एजुकेशन में ढाल लेना, वहां से मिलेगी राजेश साहब से, एसएस ट्रेनिंग से मिलेगी, अभी सितंबर में ट्रेनिंग शुरू होनी है, तब तक खुद को रोक के रखिएगा, तब तक मरना नहीं, तब तक छोड़ के भागना नहीं, 3 nights 4 days सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग में आ जाना, मैं गारंटी कर रहा हूं ये विजन परमानेंट हो जाएगा, क्योंकि एजुकेशन यहां से मिल जाएगी। और विजन और एजुकेशन के बीच में चीज अटकती इंसान की जिंदगी में, जिंदगी में इंसान के में काम और कामयाबी, क्या बोला राजेश जी, काम और कामयाबी के बीच में क्या है, काम और काम के बीच में क्या है, काम और कामयाबी के बीच में सिर्फ है विश्वास। जब जिस व्यक्ति को जिस काम पे विश्वास हो जाता है वो काम इंसान कर जाता है, जब विश्वास नहीं होता है तो रिश्ता टूट जाता है, शक का रिश्ता, हस्बैंड वाइफ का हो, भाई भाई का हो, बाप बेटे का हो, या इंसान का धंधे से, इंसान खुद से हो, जब भी इंसान के लाइफ में शक कहीं आता है और रिश्ता टूटता है, धंधा छूटता है। सही है, आप समझिएगा विश्वास की ताकत, बताऊं आपको ये काम और कामयाबी के बीच कुछ नहीं है, सिर्फ विश्वास है। अगर आपका विश्वास है कि मैं कर सकता हूं, दैट मींस आप कर सकते हो। अगर आपको ये बार बार बोलेगा आपको तेरी शक्ल ठीक नहीं है, अरे तेरी शक्ल ठीक नहीं है, किसकी ठीक थी मुझे बताना बात, ठीक है, ये बोलेगा आपको, जब तुम 5 प्लान करोगे लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, बोलेगा तेरे साथ कोई नहीं आएगा, फिर कभी एक बंदा चुप सारे चुप कर, क्यों, अरे 5 किया 50 करूंगा फिर तो कोई आएगा, ये बार बार बोलेगा मेरे दोस्त।
ये बड़ा हरम ज्यादा है, ये इंसान को आगे बढ़ने देगा नहीं आपको, ये रोकता है। ये तो समझता हर चीज को, ये समझता है 2 2 4 4 8 16 32 64, ये जानता है 318 आएंगे डायमंड बन जाएगा, ये जानता। पर ये 5 प्लान करोगे बंदा नहीं मानेगा, ये रात को बोलेगा ले ले चेक ले ले, ले, ले। ये बोलेगा एक हफ्ते में चेक नहीं बने, बोलेगा देखा ना मैंने बोला था नहीं होएगा, तेरा चेक नहीं बनाना, ये बोलेगा। इसे फिर बोलना पड़ा चुप कर आरामजादे, अमित दुबे का चेक भी तो 2 महीने में एक पहला बना था, अपना भी बन जाएगा, एक हफ्ते बाद बन जाएगा, करके रहेंगे। सही बात है, इससे इसको समझाना पड़ेगा। जिस दिन ये एक्सेप्ट कर गया, इसे सिग्नल जिंदगी में दे गया, ये जो शरीर को कुछ नहीं होता, समझिएगा। जब इंसान को किसी काम पे, इंसान को अपने आप पे विश्वास 100% हो जाता है, सारे काम हो जाते हैं। समझिए इंसान क्या ताकत है, ये काम और कामयाबी के बीच की बात है, काम और कामयाबी के बीच की बात समझिएगा। भाई गेट बंद कर दो प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से। अधीश जी साहब क्या बोला मैंने, समझो आपके बीच की बात है, आप कर सकते हो, लेकिन जहां जहां आपको यकीन आपने वहां काम किया है, जहां आपको 100% विश्वास हुआ आपने वो सारे काम किए हैं जबकि वो काम होने वाले नहीं थे। एग्जाम्पल देता हूं, सावन का महीना चल रहा है, चल रहा है yes. मोटरसाइकिल से मई महीने में 5 किलोमीटर प्लान देने में तकलीफ होती है, पैदल जाके प्लान समझाने में तकलीफ होती है, बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है, लेकिन श्रावण का महीना है जब इंसान का विश्वास होता है, भोले का भगत होता है, तो 1200 किलोमीटर 1500 किलोमीटर लोग ऋषिकेश जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं और कावड़ लेके आते नंगे पैर, बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले, खड़ा कोई नहीं मरा होता जिंदगी में, किया नहीं किया। 5 किलोमीटर प्लान देने में तकलीफ, गर्मी लगती है, अरे 1200 किलोमीटर 1500 किलोमीटर बंदा बाइक पे चल के नहीं पैदल चल के आता, छाले पड़ जाते हैं पैरों में, इंसान की बुखार चढ़ जाता है, पर फिर भी बंदा चल के आता है और बम बम भोले का नाम लेके आता है। क्या भोले सामने आए बेटा, चल आजा ले आ ले आ ले आ, साला आज तक भोला दिखा नहीं जिसको, भले बस 100% विश्वास है, मैंने ये दुआ मांगी है, मैंने कामना की है, मैं कावड़ चढ़ाऊंगा मेरी दुआ पक्का पूरी हो जाएगी, विश्वास 100% है, इतना रत्ती भर भी शक नहीं है तो थकान नहीं होती है मेरे दोस्त। और 1200 किलोमीटर की दूरी बंदा तय कर देता है, 5 किलोमीटर प्लान देने जाना मुश्किल लगता, क्यों? शक है, विश्वास नहीं है कि काम होएगा, कंपनी चलेगी, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट मिलेगा, लोग जुड़ेंगे, मैं करोड़पति बनूंगा, यकीन नहीं है, डाउट है, इसलिए दूरी लगती है, इसलिए धूप दिखती है, यकीन हो जाएगा मेरे तो काम हो जाएगा। ये लेडीज लोग समझती है हम कैसे कर लेंगे, कुरी सर आपकी सारी बातें ठीक हैं पर हम नहीं कर सकते, क्यों? लड़की है ना, एक ही डरंडर लिए बैठी है, बताएंगी नहीं, मुझे पता है लड़की लड़की बन के परेशान है। वो बोलती है कुरी सर आप दिल्ली घूमते हो, बेंगलोर घूमते हो, नागालैंड घूमते हो, कहीं भी घूमते, हमसे पूछो पूरी जिंदगी आटा चक्के में रहना पड़ता है, लड़की लड़की बन के परेशान है, भाई साहब भी परेशान है, लंबी बात है, खुशियां कोई नहीं है, क्यों? सबको डाउट है यार खुद पे, मैं ये होता तो पता नहीं क्या कर लेता। अरे तू हाई से कुछ कर लेना, उसमें नहीं कर रहा, नहीं ये होता तो मैं कुछ कर लेता, हाँ मैं भी सोचता हूँ मैं लड़की होती मैं माँ बन जाती, अब ना बन सकती, सही है। अब मैं सोचता हूँ देख यहाँ दोनों ही जुड़ते, मेरी माँ ने 3 पैदा भी कर दी, सही है। तो ये सबको लगता है, बात समझिएगा। अब तुम बोलती प्रॉब्लम है, यकीन यकीन की बात बोल रहा हूँ, नवरात्रि के व्रत आते हैं जी, तुम 9 दिन तक खाती नहीं हो, मरी कभी आज तक? पर कल के प्रोग्राम में कई सारे लोग चीज छोड़ के भाग गए थे खाने के चक्कर में, पेट में दर्द हो गए होंगे कब देंगे कब देंगे कब छोड़ देंगे खाना कब देंगे, यकीन। अब दुआ करते हो प्रभु ये मिल जाए वो हो जाए, नवरात्र के व्रत करते हो 9 दिन तक, कोई मुस्लिम भाई है यहाँ पे है कोई भाई साहब? 1 महीने के रोजा होते हैं आपके और तुम रखते हो यार, कोई मरा आज तक? क्या था? यकीन खुदा अल्लाह वाहेगुरु भगवान। अरे जब इंसान ने जिस चीज को देखा नहीं है, जिससे आज तक मिला नहीं है, पता नहीं कैसा होएगा, उस पे इंसान 100% यकीन कर लेता है और वो कारनामा करता है जो उम्मीद भी नहीं कर सकता मैं कर सकता हूं, काम होता है बिकॉज ऑफ उसे यकीन है 100%।
जब जिस इंसान को जिस चीज की नजर मेरे भाई वो काम हो जाता है और जिस पे शक रहता है वो नहीं होता है। यकीन था तो 60 साल की बुढ़ी वैष्णो माता चली जाती है और जय माता दी जय माता दी जय माता दी करके चढ़ जाती। पूछा फिर वापिस आके बोलती है ऊपर जा माता दी मेरे से सीढ़ी ना चढ़ी जाती बेटा मैं कैसे जाऊंगी, तू वहां चढ़ गई मैं थोड़ी चढ़ी थी, तो माता की कृपा थी। माता की पता भाई क्या माता पकड़ के ले गई इसको, कृपा माता की नहीं थी कृपा तेरी थी, पर तेरे को माता में 100% आस्था थी, माता ने बुलाया है इसलिए जाना है, माता ने बुलाया इसलिए जाना है। अरे तो यह यकीन नहीं है भाई मेरे, आपको शक जब तक रहेगा कुछ नहीं होएगा। सिर्फ एक काम करना, अपने आप यकीन कर लेना, यकीन करना पड़ेगा कंपनी पे, प्रोडक्ट पे, प्लान पे, फॉलोअप पे, रिजल्ट पे, अपने आप पे यकीन करना पड़ेगा, अपलाइन पे यकीन करना पड़ेगा। मेरा कंपनी बेस्ट, मेरा प्रोडक्ट बेस्ट, मेरा प्लान बेस्ट, मेरा MD बेस्ट, मेरा अपलाइन सबसे बेस्ट, और भैया अपन तो फिर उंगली दिखा लेना मैं तो बेस्ट हुई हूँ क्योंकि मैं 10 लाख में से एक हूँ। ऐसा एक हो ये बात कर जिंदगी में बोलना मत, 10 लाख में से एक हो, विनर हो लूजर नहीं हो। बस इंसान अपने आप से हारता है, अपने आप से नहीं हारना। इंसान दुनिया से जीत सकता है, अपना इंसान खुद से सिर्फ हार जाता है। तो अपने आप पे यकीन करना भाई मेरे, अगर ये विश्वास हो गया ना, काम और कामयाबी के बीच सिर्फ क्या टिका है, विश्वास आपको है पक्का है, लोगे तो नहीं लोगे तो नहीं लोगे तो नहीं। तो जोधपुर जैसलमेर 2.5 महीने बचे हैं, कौन कौन करेगा? हाथ उठाना बड़ा आसान है पर 2.5 महीने में अपनी लाइफ में कर्फ्यू लगाना पड़ेगा राजेश। बिल्कुल सर, यस। 2.5 महीने कर्फ्यू लगा देना, 17 लेफ्ट 17 राइट कर्फ्यू लग जाना चाहिए, ना दिन पता ना रात पता। 2.5 महीने में जिंदगी सेट हो जाएगी, बिजनेस सेट नहीं होगा, जिंदगी सेट हो जाएगी 2.5 महीने के अंदर अंदर। सही बात है, यस सर। अगर आपको यकीन है तो लगा लो, नहीं है तो छोड़ दो, शक है तो नहीं करना। सही है, यस सर। मेरा से इतनी बात थी सर, वो मोटिवेशन नहीं था कल, मोटिवेशन नहीं था, वो थोड़ा सा विजन है, इतना सा है। कितना सा है? इतना सा है। सही है, और क्या चाहिए? बस जब तक नहीं हो करना नहीं शुरू, जब तक ना हो शुरू नहीं करना, और जब हो जाए फिर रुकना नहीं है। सही है, पक्की बात है, कर सकते हैं बात 100% है, कर सकते हो ये गारंटीड बात है, क्योंकि हम तो लिख के आए ना, हम जीत के पैदा हुए, हम तो लिखवा के लाए पहले से, 10 लाख रुपए से एक आए। किधर बात है? पक्की बात है, थोड़ा देर उम्मीद करो पक्की बात, रिकॉर्ड ब्रेक करोगे, तैयार हो सारे के सारे का? चलो फिर इस क्वार्टर में ट्रिप करते हैं आपके पास में, है ना? मेरी थोड़ी बड़ासी रह गई अभी क्योंकि मेरा एक घंटे में इंजन गर्म होता है, इसलिए मुझे खाने सर बोले भाई तुम ध्यान से, तैयार हो? चलो सर आपने मेरे बड़ासी निकलवा दिया था ना, ओके भाई। मेरा इतना आपका मैसेज नहीं था एक्चुअली, ये रियलिटी है। मैंने मेरी लाइफ में कुछ चीजें सीखी अपने आप से, किताब में पढ़ता नहीं, मुझे पढ़ती नहीं जाती है, और कभी लाइफ में जरूरत पड़ी नहीं। अपना तो अपनी लाइफ का पुराना एक्सपीरियंस ही बहुत था, वही अपने आप ट्रेनिंग बन गया, पता नहीं कैसे ट्रेनिंग बन गया। मैं तो सिर्फ शेयर करता हूँ अपने एक्सपीरियंस, बाकी लोग बोलते हैं ट्रेनिंग होगी बढ़िया होगी, काहे कि अपन ट्रेनर नहीं है, हंसी मजाक करते करते काम हो गया, आज तक कंपनी यहाँ तक पहुँच गई, आप सभी लोग आ गए, अब तो बोलने जरूरत भी नहीं पड़ती, मजाक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये फिर भी काम हो जाता है। सही है, सो थैंक यू आप सभी का। कोई नहीं, कोई निकल जाएंगे।